नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इनकम के तहत मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट एंजनी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कंपोनेंट्स ऑफ लैन के बारे में, यानी लैन नेटवर्किंग के लिए किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो इसमें 6 टाइप्स की टोपोलॉजी से इस्तेमाल की जाती है। लीनियर बस टोपोलॉजी, रेगार सर्कुलर टोपोलॉजी, ग्राफ मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और इन सबका कॉम्बिनेशन हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइड्रोपोलॉजी क्या होता है? लैन को बिछाने का तरीका होता है और ये इसको डिसाइड करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्किंग इंजीनियर। फिर हम बात करते हैं इसमें किस किस ज़रूरत पड़ती है। तो प्रत्येक नोड्स का, यानी कि कंप्यूटर यहाँ पे ऐसे नोड्स पे रिप्रेजेंटेड होते हैं जहाँ पे आईपी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। वाईफाई राउटर की जरूरत पड़ती है जहाँ से वायरलेस फ्रिक्वेंसीज जो वाइट जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और आपके जो वायरलेस गैजेट्स को कनेक्टिविटी के लिए EMF प्लस इस्तेमाल किया जाता है। हब का, स्विच का, RJ45 कनेक्टर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है। ट्विस्टेड एयर केबल की जरूरत पड़ती है, कोएक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कैट केबल और येलो कलर की पॉड जरूरत पड़ती है जहाँ वो राउटर की मिल जाती है। राउटर हब स्विचेस के एडाप्टर्स की जरूरत पड़ती है फॉर पावर सप्लाई के लिए। रिपीटर बूस्टर की जरूरत पड़ती है वाईफाई सिग्नल्स को आगे बढ़ाने के लिए। प्लास की जरूरत पड़ती है, वायर कटर की, इलेक्ट्रिक ब्लैक टेप की जरूरत पड़ती है और एल्युमिनियम के थ्री वायर की जरूरत पड़ती है केबल्स को सही से मेंटेन करने के लिए, लगाने के लिए। तो ये सारी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है लैन नेटवर्क को बिछाने के लिए। ये लैन के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी टोटल ये नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं किसी ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, लैब्स में जो बिछाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें इन को लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें इन सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक नीचे हिंद, वंदे मातरम।